सब्सक्राइब कीजिए स्पेशल टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्पेशल टेक्निकल गुरुजी बहुत ही कमाल का टेक न्यूज लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। Xiaomi ने भारत में शुरू कर दिए व्हाट्सएप सर्विसेज MI बिनी। MI बिनी क्या है, मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। अपने भारतीय कस्टमर को ख्याल रखने के लिए चीन की बेस्ट मेकर कंपनी Xiaomi ने एक अपनी व्हाट्सएप सर्विसेज स्टार्ट की है, जिससे कि कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर अपडेशंस, लॉन्चिंग डेट या कस्टमर की कोई भी क्वेरीज को ऑनलाइन सॉर्ट आउट किया जा सकता है। एयरटेल ने रिवाइज किया इन्फिनिटी प्लान, अब पहले से मिलेगा डबल डाटा। ये सिर्फ पोस्टपेड कस्टमर के लिए है। अगर आप 399 से रिचार्ज कराते हैं तो आपको 20 GB डाटा मिलेगा। 499 से अगर रिचार्ज कराते हैं तो आपको 40 GB डाटा मिलेगा। अगर 799 से अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 60 GB डाटा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पता नहीं एयरटेल को अभी तक समझ में क्यों नहीं आई है कि प्रीपेड कस्टमर जियो आपको इतने डाटा दे रही है, वो भी प्रीपेड कस्टमर के लिए। ये पोस्टपेड कस्टमर को इतना प्राइस लेकर इतना कम डेटा देना, ये कहां तक ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। यूजर आप बताइएगा कि इस प्लान के बारे में आपका क्या सोचना है। Xiaomi की तरफ से आ रही है, Xiaomi के रेडमी नोट 5 और रेडमी नोट 5 प्लस 14 फरवरी को लॉन्च हो रही है। इसकी तीन वेरिएंट्स है, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल, और तीसरा जो इसकी वेरिएंट है 4 GB रैम, 32 GB इंटरनल। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, जो सबसे यानी 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल का प्राइस होगा 8100, 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल 9100, और 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल 11200। अगली न्यूज आईफोन की तरफ से आ रही है, आईफोन खरीदने वाले को झटका, एप्पल ने कीमत बढ़ाई, 1 अप्रैल से कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी। अरुण जेटली ने ऐलान किया था कि कस्टम ड्यूटी 1 अप्रैल से बढ़ेगी, उससे पहले आईफोन ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है। जैसा कि मैं बात करता हूँ आईफोन 10 की, तो उसकी प्राइस पहले 89,000 के आसपास थी, जो कि बढ़ाकर आपको 95 के आसपास आप देख लीजिएगा। एप्पल ने पहले ही बढ़ा दी है, कई सारे उसकी सारे मोबाइल पर SE को छोड़ के जितने भी उसके वेरिएंट्स है उस पर प्राइस बढ़ा दी है। तो आईफोन वैसे ही, आपका क्या राय है आप जरूर इसके बारे में बताइएगा। अगली न्यूज, फ्लिपकार्ट ने उतारा है 2 पावर बैंक, एक पहला है 10,000 mAh की जिसकी प्राइस 800 रुपये होगी, और एक दूसरा है जिसका 15,000 mAh की होगी जिसकी प्राइस आपको 900 के आसपास पड़ेगी। अब देखना कितना दिलचस्प होता है क्या, अगर आपने फ्लिपकार्ट से बाय किया, और इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए यही न्यूज़ थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।